कौन है कि नौकरी की वजह से परेशान है, तो मैं क्योंकि वो सुबह का टाइम होता है तो अजीब कैफियत जो है ना जहनी वो डिफरेंट होती है, उस वक्त मैं जब भी अवॉइड करता हूँ बात करना, सुबह के 5-6-7 बजे होते हैं, और उसके अंदर मेरी ज़बान से एक बात निकल गई, मैंने कहा कि चीज़ ये है कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ें जो हैं अल्लाह की तरफ से हैं और उसको एज अ टेस्ट जो है आदमी एक्सेप्ट कर लेता है, यू एब्जॉर्ब दैट एंड यू बी हैप्पी कि यस, जब आप टेस्ट में आ जाते हो अल्लाह के तो आपको खुश होना चाहिए कि हाँ अल्लाह ताला ने मुझे टेस्ट में डाला है, इसका मतलब मेरी इतनी काबिलियत और सलाहियत है कि मैं उसके लेवल पे उतरा, उस एग्जामिनेशन में बैठ सकूं और टेस्ट दे सकूं उसका। तो उनके मुंह से फिर बात निकली कि पूरी ज़िंदगी ही टेस्ट थी, तो मैंने कहा ठीक है बात हो गई, लाइन काट दें। इसको कहते हैं नाशुक्री, यह नाशुक्री में चला जाता है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो रोशनी के ऊपर कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो रोशनी के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो बरसों के अंदर पहला आदमी होगा जिसको मैंने ये कहा है कि जो नज़र आया मैंने बता दिया कि जी ये टेस्ट है आपका। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो पूरी ज़िंदगी ही टेस्ट है, तो फिर क्या करें भाई, फिर तो ये कि आप अल्लाह के यहाँ जो है आप में सलाहियत और काबिलियत नहीं है कि उसको एक्सेप्ट कर सको कि येस आई एम इन हिज टेस्ट एंड आई एक्सेप्ट इट एंड आई विल एब्जॉर्ब वट एवर ही गिव्स टू मी एंड आई विल वॉक थ्रू इट बिकॉज ही इज़ विद मी। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि क्या कहते हैं वो टेस्ट में डाले और आपका साथ छोड़ दे, ये हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं तो इन्विजिलेटर तो होगा ना जो टेस्ट को देखेगा कि ये पास हुआ है या फेल। अब ये बातें ये बेसिकली पुरानी सूफियों वाली बातें थी, मगर वो रही नहीं। अब ये कि हर चीज़ को क्या कहते हैं गाड़ी चोरी हो गई, अल्लाह की तरफ से इम्तहान है बेटा, अल्लाह की तरफ से गाड़ी चोरी हुई, मटेरियलिस्टिक गाड़ी है साली, उसमें क्या है यार दूसरी ले लो, नहीं तो पैदल फिर लोगे, टांग तो नहीं कटी ना, जिनकी टांग कटती है वो होता है सही मानों में टेस्ट। अब ये बातें